पैरा कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स में से एक है, जो सिर्फ इंडियन सोल्जर्स को ही दी जाती है। जब नए लड़के आर्मी में भर्ती होते हैं तो इनके पास पैरा कमांडो बनने का एक मौका होता है और इन भर्ती हुए नए लड़कों की काबिलियत पर सिलेक्शन होता है, लेकिन इससे पहले वो आर्मी की ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, जो इन्हें आर्मी में सिलेक्शन के बाद ही दिया जाता है। पर ये ट्रेनिंग उतनी टफ नहीं होती है जितनी की पैरा कमांडो को दी जाने वाली ट्रेनिंग। आर्मी की सिंपल ट्रेनिंग में उन्हें सिर्फ उतना ही कष्ट दिया जाता है जितना की चल सके, पर उसके विपरीत पैरा कमांडो को उनके आखिरी हिम्मत को तोड़ने तक ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इस बीच कमांडो का असली मतलब क्या होता है, एक पैरा कमांडो आखिर कैसे कैसे हालातों से गुजरता है, ये सब उन्हें उस ट्रेनिंग के दौरान मालूम चलता है। कितने सारे जवान तो बीच में ही ट्रेनिंग को छोड़कर अपने बटालियन में वापस चले जाते हैं। और कमांडो के ट्रेनिंग में ये रूल भी होता है कि अगर कोई जवान इस पैरा कमांडो की ट्रेनिंग को स्किप करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ सकता है और कोई रोक टोक नहीं होती है, बस उन्हें एक रिजाइन लेटर देना होता है। पर कमांडो की ट्रेनिंग के लिए ज्यादा कैडेट सिलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके सिलेक्शन के पहले की परफॉर्मेंस, फिजिकल और मेंटल हेल्थ की टेस्ट की जाती है, वो भी बहुत टफ तरीके से। इसलिए तो सिर्फ 1000 जवानों में से एक पैरा कमांडो में सिलेक्ट होता है। और अगर बात करें इनकी ट्रेनिंग की, तो पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग पूरे 36 दिनों की होती है, जिसमें इन्हें ऐसे ऐसे कठिन चैलेंजेस को पूरा करना पड़ता है जिससे इनके पसीने छूट जाते हैं। इनसे इतनी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि ये पूरी तरह फौलाद बन जाते हैं, चाहे कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी मौसम में अपने आप को ढाल सकते हैं, किसी भी देश की सेना के साथ मुकाबला कर सकते हैं। पर पैरा कमांडो को सिर्फ सीक्रेट मिशन पर ही ज्यादा भेजा जाता है और खास इसलिए ही इन्हें तैयार किया जाता है। अगर बात करें कमांडो ट्रेनिंग स्कूल की, ये ट्रेनिंग स्कूल कर्नाटक के बेलगाम में बना है, जहां पर वो सारी फैसिलिटी मौजूद है जो एक पैरा कमांडो को तैयार करने के लिए जरूरी होती है। ये स्कूल भी खास कमांडो को ही तैयार करने के लिए बनाया गया है और इसलिए ये स्कूल भी बहुत फेमस है। यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों से ट्रेनिंग लेने के लिए कैडेट्स आते हैं। पूरे 36 दिनों की ट्रेनिंग में इन्हें मार्शल आर्ट्स, शूटिंग, नाइफ फाइट, बहुत तरीके के हुनर सिखाए जाते हैं। बीच में 100 किलोमीटर की दौड़, 40 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसमें कमांडोज को रुकना नहीं होता है, दौड़ते और चलते रहना पड़ता है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। सिर्फ बीच में इन्हें थोड़ा सा पानी पीने का ऑर्डर होता है, वो भी सिर्फ एक या दो बार। ये करीब 15 घंटों तक दौड़ते रहते हैं जब 100 किलोमीटर की दौड़ होती है, और इस बीच इन्हें बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 100 किलोमीटर की दौड़ में हालत पतली होना एक आम बात होती है, जैसे पैरों में दर्द होना, पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आना, सर भारी होना, ज्यादा देर तक दौड़ने की वजह से पेट में दर्द होना, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर भी पैरा कमांडोज हार नहीं मानते, क्योंकि इनके अंदर बस एक ही चीज चलती है, वो है पैरा कमांडो का बैज हासिल करना। सबसे मुश्किल टास्क होता है कीचड़ में पूरी तरह से लथपथ होकर रेंगते हुए आगे बढ़ना, जिसमें इन्हें बहुत भयंकर बदबू का सामना करना पड़ता है, पूरे चेहरे पर उस गंदे कीचड़ को लगाना पड़ता है, और वो इस चैलेंज से भाग भी नहीं सकते हैं। उन्हें पूरा कीचड़ सूखने तक नहाना नहीं होता है। एक बार जब कीचड़ पूरा सूख जाता है तो उन्हें बिल्कुल ठंडे पानी से नहलाया जाता है। यह पानी बहुत ही ठंडा होता है, साथ ही इस पानी में एक इंस्ट्रक्टर भी होता है जो जवानों को पकड़ पकड़ के नीचे डुबोता है, और इस वजह से बहुत से जवानों की सांसें भी फूलने लगती हैं पानी में, क्योंकि वो पानी के अंदर कुछ सेकंड्स तक उन जवानों को डुबोए रखता है। यह भी एक मुश्किल टेस्ट होता है जो पैरा कमांडोज के अलावा किसी और से नहीं करवाया जाता है। सारी रेजिमेंट की फोर्सेस को पैरा कमांडोज की तुलना में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए पैरा कमांडो का बैच हासिल करने के लिए हर एक जवान जी तोड़ मेहनत करता है, और जो जवान पैरा कमांडो का बैच हासिल कर लेता है उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाती है, उसकी यूनिट में उसका और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, और हर साल बहुत सारे पैरा कमांडोज तैयार होते हैं। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ 36 दिनों की ही होती है, पर ये 36 दिनों में करीब 3 से 4 सालों की ट्रेनिंग जितनी मेहनत कर देते हैं। अब इनके पास ऐसे ऐसे हुनर हो चुके होते हैं जो इन्हें एक जेंटलमैन बनाते हैं, और अब इनके सामने अगर कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, अब ये किसी से नहीं डरने वाले हैं और ना ही किसी चुनौती से पीछे हटने वाले। और पैरा कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने आप को प्रूव भी कर दिखाया है, चाहे कितने भी खतरनाक मिशन पर इन्हें भेज दिया जाए, ये उस मिशन को अंजाम तक पहुंचाकर जरूर वापस आते हैं और किसी भी तरह की गलती भी नहीं करेंगे। अगर इन कमांडोज की खासियत की बात करें तो ये चौपर से नीचे उतरने में बहुत माहिर होते हैं। इन्हें ये ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी जाती है, क्योंकि इन्हें कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है जब इन्हें सीक्रेट मिशन को अंजाम देना होता है, और सारी गन्स और आर्मी की डिवाइस की नॉलेज तो इन्हें होती ही है। कमांडोज बनने से पहले ये सिर्फ आर्मी के जवान होते हैं, तो इन्हें थल सेना की वो सारी ट्रेनिंग मिली होती है जो थल सेना के जवानों को दी जाती है, इसलिए आर्मी वाले इतने महान माने जाते हैं। और आप में से जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, करीब 90% लोग तो जरूर आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, और ये जरूरी भी है, क्योंकि देश की सेवा से बड़ी सेवा और कुछ होता भी नहीं है। और वैसे भी जिन लोगों के अंदर आर्मी में जाने का जुनून होता है, वो मेहनत करने से नहीं कतराते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।